Link masuk di hotel sudah. Halo. Halo, boleh? Hai, biar kita hubungi. Kenapa juga? Ekonomi. Cek soalnya. Karena? Tuh. Oh, ya. Cek kurang kena juga. Kami kena jangan cek ini. चलिए सब लोग जुड़ जाइए है ना जल्द से जल्द सब लोग को जोड़िए चलिए जुड़ जाइए सब लोग कितना जुड़ा कल देखा है जब मजाक था पिछले दिन था देखा कि आपने देखा और तुझे पहले बुला लेना चलिए शुरू कर देते हैं सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जोड़िए जल्द से जल्द पुराइए 150 विद्यार्थी कम से कम तो कल ही लगा रहे सेट टू ईयर सेट टू ईयर चलिए सब जगह भेजिएगा कोई देर तक शुरू हो जाए शुरू हो जाए बाबू कमेंट कीजिए शुरू हो जाए चलिए गुड मॉर्निंग चलिए कितना चलिए गुड इवनिंग ठीक है अरे यार आप लोग अच्छे हम तो है ही हैं ठीक है चलिए जुड़ चलिए शुरू हो जाए क्लास 10 का न्यू बैच 7 दिसंबर से है ना चलिए राहुल चलिए सुमित रोहित शुरू हो जाए बाबू चलिए जल्दी से जल्दी जोड़िए सो पहुंचाइए जल्दी प्रणाम सर प्रणाम 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 है ना लक्ष्मण जी अब तुरंत शुरू कर रहे हैं है ना स्टार्ट हो रहे हैं जल्दी सो पुराइए जल्दी सो पुराइए तुरंत स्टार्ट
है ना। चलिए सब लोग पहले लाइक कर दीजिए। अरे ट्यूबवेल का हिंदी का लाइव कब दीजिएगा सर? वो भी देंगे जी, देंगे बहुत जल्द है ना। चलिए गुरु जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर एक में कोई विशेष जान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एक इतना ज्यादा हम बताएं, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सबके लिए आसान है। संसाधन को परिभाषित कीजिए, संसाधन को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। पहला नंबर संसाधन को परिभाषित कीजिए, के बता देगा सो बताओ। कमेंट करेगा सबसे पहले किसका फर्स्ट आता है कमेंट, कौन कौन बता देगा कि संसाधन किसे कहते हैं, किसको किसको आता है बताइए। फूल है गुलाब को सुगंध लेते जाइए हमेशा जैसा कोई मास्टर। अच्छा चलिए यस सर, राजीव बता देगा ठीक है, पंकज बता देगा, शिशुपाल बता देगा। चलिए सबको आ जा रहा है, सबको आ रहा है ना, हम बता देंगे सर। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग बताने के लिए तैयार है, तुम लोग भी बता देगा ना। यस सर। चलिए सब लोग बताने के लिए तैयार है एकदम, बहुत हम भी बता देंगे। चलिए कितना लिख भी चुके हैं, संसाधन किसे कहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिएगा संसाधन पहला नंबर डायरेक्ट अगर बोला जाए तो मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाते हैं, संसाधन। आराम से, मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जिसको अगर नहीं बड़ा आ जाए तो छोटा वाला ही लिख सकते हैं, मानव के उपयोग में आने वाला सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अगला दूसरा परिभाषा, भूमि पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जिसे मनुष्य अपने तरीका से अपने हित के लिए प्रयोग करता है उसे संसाधन कहा जाता है। पहला परिभाषा, मानव के उपयोग में आने वाला सभी वस्तुएं संसाधन है, पहला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। या तो दूसरा लिखिए, भूमि पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जिसे मनुष्य अपने तरीका से अपने हित के लिए प्रयोग करता है उसे संसाधन कहा जाता है। भूमि पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जिसे मनुष्य अपने तरीका से अपने हित के लिए प्रयोग करता है उसे संसाधन कहा जाता है। सबको क्लियर हो गया वा? सबको क्लियर हो गया? यस सर। भूमि पर पाए जाने वाले, किस पर पाए जाने वाले, भूमि पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जिसे मनुष्य अपने तरीका से प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है, संसाधन। जैसे जल को मनुष्य अपने लिए प्रयोग करता है, अपने तरीका से प्रयोग करता है तो जल मानव के लिए संसाधन कहला है। कोयला को मानव अपने लिए उपयोग करता है तो कोयला मानव के लिए संसाधन कहला है। पेट्रोल को मानव अपने लिए उपयोग करता है तो पेट्रोल संसाधन कहला है। पशु को मानव अपने लिए उपयोग कर रहा तो पशु मानव के लिए संसाधन कहला। तो भूमि पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जिससे मनुष्य अपने तरीका से अपने हित के लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाएगा, संसाधन कहा जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। लाइव और सब्सक्राइब ठोकर कीजिए, लाइव और सब्सक्राइब करें जल्दी। बहुत अच्छा, कौन है, न्यूटन, एमडी न्यूटन, बहुत अच्छा। भूमि पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जिससे मनुष्य अपने तरीका के माध्यम से अपने हित के लिए प्रयोग करता उसे संसाधन कहा जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा है एवरी न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है।
जल संसाधन के उपयोग क्या है? जल संसाधन के क्या उपयोग है? उपयोग है कितना ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में देखिएगा। बताइए इसको बता सकते हैं? चलिए अब्राहम न्यूटन बता चुके हैं जल को मनुष्य अपने हित के लिए प्रयोग करना है जल संसाधन कहलाता है। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। जल संसाधन कौन संसाधन है? जल संसाधन जल जल को मनुष्य पारा नामक संसाधन किसे कहें इसे समझिए। मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन वाला मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन। मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन। मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन। किसके उपयोग में? मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन। मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन। मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन है पहला पॉइंट। दूसरा नंबर है जल। जल को मानव अपने लिए उपयोग करता है इसलिए इसे जल संसाधन कहलाता है। जल को मानव अपने लिए उपयोग करता है इसलिए इसे जल संसाधन कहा जाता है। जल को मानव अपने लिए उपयोग करता है इसलिए इसे जल संसाधन कहा जाता है। जल को मानव अपने उपयोग में लाता है या उपयोग करता है इसलिए इसे जल संसाधन कहा जाता है। इसको हम डायरेक्ट लिखिएगा जल को मनुष्य अपने लिए उपयोग करता है इसलिए इसे जल संसाधन कहा जाता है। क्लियर हो गया? जल को मनुष्य अपने हित के लिए उपयोग करता है इसलिए इसे जल संसाधन कहा जाता है। जल को मनुष्य अपने हित के लिए प्रयोग करता है इसलिए इसे जल संसाधन कहा जाता है। जल का उपयोग किसके शीर्षों में होता है? तो पहला नंबर पॉइंट दो पॉइंट में लिख दीजिएगा। जल का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। जल का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। जल को मनुष्य और पशु पीने के लिए उपयोग करता है। जल को मनुष्य और पशु पीने के लिए उपयोग करता है। देखो जल को मनुष्य और पशु पीने के लिए उपयोग करता है। जल को मनुष्य और पशु पीने के लिए उपयोग करता है। जल को मनुष्य और पशु पीने के लिए उपयोग करता है। जल को मनुष्य और पशु पीने के लिए उपयोग करता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में है खेतों की सिंचाई। खेतों की सिंचाई के लिए खेतों की सिंचाई के लिए खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहला नंबर कैसे लिखिएगा? पहला में डे देख लिखेंगे जल संसाधन लिख के डे देने मानव के उपयोग में आने जल को मनुष्य अपने उपयोग में लाता है इसलिए से जल संसाधन। जल को मनुष्य अपने उपयोग में लाता है इसलिए इसे कौन संसाधन? जल संसाधन कहते हैं। पहला पॉइंट मनुष्य पीने के लिए मनुष्य और पशु पीने के लिए जल का उपयोग करता है। एक नंबर खेतों में सिंचाई करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। वस्त्र को धोने के लिए पशुओं को धोने के लिए ये सब के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर जल संसाधन का यहाँ परिभाषा देना है और दो को पॉइंट बनाकर लिख देना। बताइए समझ में आ गया? यस सर। एक लड़का लिखा है यादव जी विधाता रावण के जैसा ताव नहीं देखा होगा पीपल के पेड़ जैसा छाव नहीं देखा होगा। अरे देखने के लिए लोग तो बहुत कुछ देखा होगा अमित सर जैसा मास्टर नहीं देखा होगा। बहुत अच्छा यादव विधाता जी बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। चलिए ये तरीका समझ में आ गया तो हाँ कहिए। तरीका समझ में आ गया तो बताइए। तरीका समझ में आ गया पहले जल संसाधन लिखेंगे उसके बाद दो पॉइंट लिखेंगे। पहला जल संसाधन लिखेंगे उसके बाद क्या पॉइंट लिखेंगे? दो पॉइंट।
जल का जल को मानव अपने हित के लिए उपयोग करता है इसलिए इसे जल संसाधन कहा जाता है। जल को मानव अपने हित के लिए उपयोग करता है इसलिए इसे कौन सा था जल संसाधन कहा जाता है। जल को मानव अपने हित के लिए उपयोग करता है इसलिए इसे कौन सा था जल संसाधन कहा जाता है। जल को पहला पशु एवं मानव पीने के लिए उपयोग करता है। दूसरा पॉइंट में मैंने बताया कि जल का मतलब कहा था खेतों में सिंचाई पशुओं को धोने के लिए वस्त्र को धोने के लिए उपयोग किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा था देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका पीडीएफ में भेज चुके थे। क्वेश्चन तीसरा नंबर आपका देखिए क्या बोल रहा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आदम ईजीएस ये वाला देखिए बताए थे वन जीवो बताइए टकराया है 2020 में वन जीवो के हराश हरास ब्रैकेट में कमी वन जीवों के हरास के चार कारण लिखना वन जीवों के हरास के क्या कारण लिखना चार कारण बताइए कौन कौन बता सकते हैं कमेंट कीजिए कौन कौन बता सकते हैं बताइए कौन कौन बता सकते हैं चलिए चलिए कौन कौन बता सकता है हम यस सर बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं चलिए बहुत अच्छा रोहित सर बोल रहे हैं बता सकते हैं चलिए है ना सब लोग विपिन आर बोल रहे हैं क्या बता सकते हैं चलिए बता सकते हैं आप लोग सब पहला पॉइंट में देखिएगा पहला वन जीवो वन में रहने वाले जीव को वन जीव कहा जाता है वैसा स्थान जहाँ बड़ा से बड़ा एवं छोटा से छोटा पेड़ पौधा पाया जाता है उसे वन कहा जाता है और वन में रहने वाले जीव को वन जीव कहा जाता है वन में रहने वाले जीव को वन जीव कहा जाता है वन में रहने वाले जीव को वन जीव कहा जाता है वन जीवों के हरास मतलब होता है कमी वन जीवों के कमी हो रहा है इसका चार कारण लिखिए तो वन जीवों के कमी का क्या कारण लिखना चार कारण लिखना पहला नंबर पहला पॉइंट में पेड़ पौधों को काटने के कारण वन एवं वन जीवों का विनाश हो रहा है पेड़ पौधे को काटने के कारण वन एवं वन जीवों का विनाश हो रहा है पहला पॉइंट सड़क दूसरा नंबर सड़क उद्योग एवं मकान का निर्माण सड़क उद्योग मकान का निर्माण के कारण वन जीवों का विनाश हो रहा सड़क के कारण उद्योग के निर्माण के कारण मकान के निर्माण के कारण पेड़ पौधा कट रहा है जिससे मतलब आता वन जीवों का विनाश हो रहा तीसरा पॉइंट में एकदम सिंपल लिख देना तीसरा पॉइंट में एकदम बहुत इजी पॉइंट है कोई भारी बात नहीं है है ना तीसरा पॉइंट है प्रदूषण फैलने के कारण अम्लीय वर्षा भूमंडलीय तापन जैसे समस्या उत्पन्न हो रही है अम्लीय वर्षा भूमंडलीय तापन ओजोन क्षय जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है जिससे वन्य जीवों का विनाश हो रहा जिससे वन्य जीवों का क्या हो रहा विनाश हो रहा प्रदूषण के कारण किसके कारण प्रदूषण के कारण मतलब अम्लीय वर्षा भूमंडलीय तापन ओजोन क्षय जैसी समस्या हो रही है जिससे वन्य जीवों का विनाश हो रहा चौथा नंबर पॉइंट आप लिखिएगा पशु को मारकर और पेड़ों को काट कर बाजारों में बेचा जा रहा है जिससे वन और वन जीवों का विनाश हो रहा पहला पॉइंट में एकदम आराम से एक पॉइंट लिखिए अगले छोड़िए एकदम दूर दूर साफ साफ लिखिए सजा कर लिखिए कोई दिक्कत नहीं दूर दूर साफ साफ सजा कर लिखिए कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है ना सब समय रहोगे पहला नंबर पेड़ पौधों को काटने के कारण वन जीवों का विनाश हो रहा सड़क उद्योग और मकान का निर्माण के कारण वन जीवों का विनाश हो रहा प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा भूमंडलीय तापन ओजोन क्षय जैसी समस्या हो रही है जिससे वन जीवों का विनाश हो रहा पशुओं को मारकर पेड़ों को काटकर बाजारों में बेचा जा रहा है जिससे वन जीवों का विनाश हो रहा चार पॉइंट लिखना
एक पॉइंट लिखिए अगला छोड़िए, एक पॉइंट लिखिए अगला छोड़िए, सजा कर लीजिएगा। किसी का मजाल नहीं कि आपका नंबर काट लेगा। ये समझ लिए सौ बजा कर हम पा रहे हैं। अगर ऐसा लिखते हैं नंबर कहीं नहीं बढ़ेगा, आदम लिख कर खाते हैं, है ना। आप लोग अपना दम रख के हिम्मत बढ़ाइए, साहस बढ़ाइए, उत्साह बढ़ाइए। माँ बाप जितने तकलीफ से देता है उतनी तकलीफ से आप पढ़िए, है ना। ये समझ लीजिए, नींद आता है तो सोने का नहीं, नींद आता है तो सोने का नहीं, बिना आद करके आने का नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, देखिएगा। पहला नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबूजी। झारखंड आपका पड़ोसी है राज, झारखंड के मुख लौ अयस्क खनन केंद्र का नाम लिखें, नाम लिखें। चलिए पहला नंबर झारखंड, झारखंड आपका एक पड़ोसी है। कौन कौन बता सकता है, के बता सकता है? चलिए कौन कौन बता सकता है? चिला देश का 14% ऑक्साइड उत्पादन झारखंड करता है, जैसे पलामू। चलिए बढ़िया है सर, कोडरमा जिला। अच्छा चलिए क्षेत्र का नाम बताइए, के बताइएगा जल्दी, हम देखना चाहते हैं। हम नहीं बता सकते। अच्छा चलिए नितेश जी, कोई दिक्कत नहीं, बता रहे हैं। जो बता सकते हैं वो लिखिए। तो पहला नंबर झारखंड, झारखंड का आप नाम जानते हो, सुनल भी होगा, है ना। उसके बाद झारखंड का नाम सुनल होगा, झारखंड के मुख लौ अयस्क। लोहा को जब खान से निकाला जाता है तो वो शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध रहता है। लोहा को जब खान से निकाला जाता है तो वो शुद्ध नहीं बल्कि क्या रहता है, अशुद्ध रहता है। उस अशुद्ध रूप को कौन है, स्थूल है, लौ अयस्क कहता है। और खनन मतलब होता है खन कर निकालना, खनन मतलब क्या होता है, खन कर निकालना। तो केंद्र कौन है तो बताइएगा, आप लोग जानते हैं कोई? बहुत अच्छा लिखा एक लड़का, बहुत अच्छा लिखा पलामू, बहुत अच्छा लिखा पलामू सोनाली, है ना, बहुत अच्छा लिखी है ना पलामू, धनबाद, बहुत अच्छा पलामू धनबाद, हजारीबाग रांची, लोहरदगा, लोहरदगा रांची, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद, है ना। हाँ सोनाली चंद्रवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेहनत किए और लिखे, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। चलिए पहला नंबर है पलामू, पहला नंबर कौन है, पलामू। दूसरा नंबर क्या है, धनबाद। तीसरा क्या है, हजारीबाग। चौथा क्या है, लोहरदगा। पांचवा क्या है, रांची। ये सब क्षेत्र को याद रखिएगा, पाला पलामू हजारीबाग, पलामू धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा और रांची। इसको पहले झारखंड के बारे में समझ रहे हैं, लौ अयस्क के बारे में समझ रहे हैं, खाली केंद्र का नाम लिखना था। तो लोहरदगा पलामू धनबाद हजारीबाग लोहरदगा और रांची, कोई दिक्कत? देखिए जितना अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा, जितना अच्छा बनाइएगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना परफेक्ट बनेगा। इतना आप जान लीजिए, हम जब भी लाइव में आपको जुड़ने के लिए कहते हैं तो कितना लोगों को लगता होगा कि लाइव में क्या पढ़ेंगे, ऐसे वैसे।
तरीका जरूर सीखिएगा, जरूर जरिमाने सुनिएगा, जरूर उससे उत्साह बढ़ेगा, जरूर उससे आएगा एनर्जी। ये बात समझ लीजिए, ये आप जान लीजिए। यही परीक्षा में जब काम करेगा तो आपको महसूस होगा डायरेक्ट कि सर ऐसे ऐसे बोले थे, इस पर डिस्कस किए थे सर, तो ये बहुत ज्यादा काम करेगा। जो लड़का जुड़ रहे हैं वो बहुत फायदेमंद होगा उसके लिए, जो नहीं जुड़िएगा वो आगे जाकर पैठाइएगा तो फिर दिक्कत होगा उसको, फिर दिक्कत होगा आगे जाकर, है ना। तो ये समझ लीजिए, ये आपको खुद के लिए है, आपको परेशानी होगा। चलिए अगला भारतीय कृषि के पांच प्रमुख विशेषताएं में भी आई कर दिए थे, कॉपी में भी आई कर दिए थे। और एक बात और बता रहे, जो लड़का अंठेगानी ऐसे जुड़ेगा जो नई क्लास में पढ़ा, वो लड़का को कुछ नहीं बुझाएगा, केवल हम समझा रहे हल्का हल्का, केवल समझा रहे बाबू रे। जो लड़का पढ़े हुए क्लास में उसी लड़का को बुझाएगा, ठिकाने आ जाएगा तो रखा हुआ काम बुझाएगा। चलिए रोहित कुमार, फूल तो बहुत देखे हैं लेकिन गुलाब जैसा नहीं, सब तो बहुत देखे हैं लेकिन हमें सर जैसा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पर, बहुत बहुत वीवीआई, फिर हमसे एक बार आप कर रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन को। भारतीय कृषि के पांच प्रमुख विशेषता को लिखना, भारत के पांच प्रमुख विशेषता का लिखना, तो कोई बता सकता है कि भारत का कई बटा लोग जीवन निर्वाह कृषि से करता है? दो बटा तीन लोग। पहला पॉइंट में लिखना है भारत का दो बटा तीन लोगों का जीवन निर्वाह कृषि से होता है, यह मैंने बताया था। बहुत अच्छा, कितना लिखा है? दो बटा तीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यार, तुम कुछ कर गुजरेगा यार। भारत का दो बटा तीन भाग, भारत का दो बटा तीन लोग मतलब कहता है जिसका जीवन निर्वाह, भारत का दो बटा तीन लोगों का जीवन निर्वाह किससे होता है? कृषि से होता है। पहला पॉइंट में लिखना जो हम समझाए थे, भारत का दो बटा तीन लोगों का जीवन निर्वाह कृषि से होता है, भारत का दो बटा तीन लोगों का जीवन निर्वाह कृषि से होता है। दूसरा पॉइंट में लिखना, भारत का विशाल जनसंख्या भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? कृषि पर। एक पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक पॉइंट लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर दूसरा लिखिए। भारत के दो बटा तीन लोगों का जीवन निर्वाह कृषि से होता है। अगला, भारत का विशाल जनसंख्या भोजन के लिए किस कृषि पर निर्भर रहते हैं? भोजन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। तीसरा पॉइंट भारतीय कृषि की पांच विशेषता, पहला नंबर एक, कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है और गन्ना से चीनी उद्योग,
गन्ना से चीनी होती है, कपास से सूती वस्त्र, ये भी हम समझा चुके थे, आप लोग मिला लीजिए कॉपी में, बनाए तो मिला लीजिए। पहला 2/3 लोगों का जीवन निर्वाह कृषि से होता है। भारत का विशाल जनसंख्या भोजन के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। कच्चा माल के रूप में कृषि से प्राप्त होता है, जैसे कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है, गन्ना से चीनी उद्योग में काम आता है। चौथा नंबर पॉइंट, भारत के बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जो देश से विदेश में जाता है। भारत की बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जो विश्व स्तर पर बेची जाती है, जैसे मसाले। भारत की बहुत ऐसे वस्तुएं जो विश्व स्तर पर बेची जाती है, जैसे मसाले। भारत की बहुत ऐसे वस्तुएं जो विश्व स्तर पर बेची जाती है, जैसे मसाले, मखाना, आम, लीची, ये सब बेचा जाता है जो भारत के विश्व स्तर पर। आम, लीची, मखाने, ये सब बेचा जाता है। अपनी न्यूटन लिखे एक अच्छे माल, ठीक है, बहुत अच्छा है ना। तो देश के लिए कपास, देश के लिए मतलब आता है देश के लिए, देश से विश्व स्तर पर बेचा जाता है, देश से विश्व स्तर पर बेचा जाता है, ये आप जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा, देश से विश्व स्तर पर बेचा जाता है। जैसे लीची, मखाने का मतलब आता है, सूती वस्त्र भी बेचा जाता है, विश्व स्तर पर बेचते हैं, है ना, मसाले विश्व स्तर पर बेचते हैं, है कि नहीं। अगला 5वां नंबर पॉइंट है, सबसे ज्यादा रोजगार की प्राप्ति कृषि से होता है। रोजगार की प्राप्ति कृषि से होता है। पहला पॉइंट फिर से मिला लीजिएगा। भारत का 2/3 लोगों का जीवन निर्वाह कृषि से होता है। भारत का विशाल जनसंख्या भोजन के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। कच्चा माल के रूप में कृषि से प्राप्त होता है, जैसे कपास से सूती वस्त्र और गन्ना से चीनी उद्योग। देश से विदेश जाता है, विश्व स्तर पर बहुत सारे वस्तुएं मिलती है, जैसे मसाले, मखाने, आम, लीची, ये सब। और रोजगार के प्राप्ति विश्व में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो कृषि क्षेत्र से ही होता है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, चलिए, अपने न्यूटन एक पॉइंट और जोड़ दिए तो अच्छी बात है। भारत का राष्ट्रीय आय का 24%, राष्ट्रीय आय का कई प्रतिशत? 24% कृषि से योगदान होता है, 24% कृषि से योगदान होता है, 24% कृषि से योगदान होता है। बहुत अच्छा है ना, बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत लोग का जानकारी था। चलिए, तो ये पॉइंट पर भी मैंने डिस्कस कर दिया, कोई दिक्कत? ये सब तो आसान था। चलिए, ये सब क्लियर करते जाइए आप लोग, बस हल्का हल्का समझते चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझिएगा, आने वाला समय में आप लोग को दिक्कत होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपके लिए कार्य बाबू है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दिखाइए, अगला क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता क्या या मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान दीजिएगा, चलिए क्वेश्चन अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है जैव विविधता, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है देखिएगा, जैव विविधता कोई बता सकते हैं तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए अपारा जैव विविधता किसे कहा जाता है? अब कहा जाता है किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब कहा जाता है किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के वन एवं वन प्राणियों का एक साथ निवास करना या एक साथ रहना है कौन विविधता? वन जैव विविधता। कोई यहाँ पर आकर क्या है बोलिए? वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के वन प्राणी एक साथ रहते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, उसे वन जैव विविधता कहा जाता है। वनों में विभिन्न प्रकार के वन मतलब कहता है वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वन प्राणी वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वन प्राणी एक ही साथ रहकर जीवन को निर्वाह करते हैं, उसे वन जैव विविधता कहा जाता है। वन जैव विविधता कहा जाता वनों में एक ही स्थान पर, वनों में एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं वन प्राणी वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वन प्राणी एक ही स्थान पर निवास करते हैं या रहते हैं, जिसे वन जैव विविधता कहा जाता है। जिसे वन जैव क्या कहा जाता है? विविधता। वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं वन प्राणी एक ही स्थान पर रहते हैं और जीवन को निर्वाह करते हैं, जिसे वन जैव विविधता कहा जाता है। वन जैव विविधता कहा जाता है, यह मानव के लिए क्यों उपयोगी? पहला नंबर क्या पॉइंट बोला? वन जैव विविधता क्या? एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वन एवं वन प्राणी। पहला नंबर देखिए कैसे लिखिएगा, लिखिएगा जैव विविधता। जैव विविधता एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वन एवं वन प्राणी एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वन एवं वन प्राणी निवास करते या रहते हैं, उसे वन जैव क्या बोला जाता है? विविधता बोला जाता है। वन जैव क्या बोला जाता है? विविधता। वन जैव विविधता के कारण पर्यावरण, वन जैव विविधता के कारण पर्यावरण बचा हुआ रहता है, पर्यावरण संतुलित रहता है। वन जैव विविधता के कारण पर्यावरण संतुलित रहता है, जिससे मानव को लाभ होता है। दूसरा नंबर औषधि, औषधि प्राप्त होता है वनों से, औषधि प्राप्त होता है मानव को, मानव को औषधि प्राप्त होता है। वन रहने के कारण, वन जैव विविधता रहने के कारण समय पर वर्षा होता है, समय पर वर्षा होता है, समय पर वर्षा होता है, जिससे पर्यावरण संतुलित बना रहता है। लिख भी सकते हैं तो आप लिख लीजिए, पहला नंबर पर्यावरण संतुलन बना हुआ रहता है, पर्यावरण संतुलन बना हुआ रहता है। दूसरा नंबर औषधि वनों से प्राप्त होते हैं मानव को, वन के जो मतलब कहता वनों में जो समस्या आती है वो समस्या का मतलब कहता वन में किसी प्रकार का वन और वन जीवों की समस्या आती है वो स्वयं का निदान हो जाता है, जिससे पेड़ पौधा सुरक्षित रहता है, स्वयं निदान हो जाता है जिससे पेड़ पौधा सुरक्षित रहता है। पहला नंबर पर्यावरण संतुलित औषधि प्राप्त होता है, वन और वन जीव में कोई समस्या होता है तो स्वयं संतुलित हो जाता है। चौथा नंबर पॉइंट वन से मतलब कहता है, वन से लकड़ियां और मतलब कहता है वन प्राणी से प्राप्त होने वाला बहुत सारे सामग्री मतलब कहता है लोगों को आसानी से मिल जाता है, तो वन जैव विविधता के कारण ही मिलता है। वन जैव विविधता के कारण मतलब कहता है उद्यान का निर्माण होता है, चिड़िया घरों का उद्यानों का निर्माण होता है वन जैव विविधता के कारण, तो ये सब लाभ होता है। तीन पॉइंट आप लिख दीजिए, ये लेकर तीन पॉइंट लिखिए। पहला नंबर पर्यावरण संतुलित रहता है, औषधि लोगों को प्राप्त होता है जैसे मतलब टैक्सोल नामक औषधि, फिर मतलब कहता है वन में कोई समस्या और वन जीवों में कोई समस्या आता है तो उसका निदान वन जैव विविधता के कारण हो जाता है। समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया? कुछ गलत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्या क्वेश्चन? धात्विक और अधात्विक में अंतर, ये तो लिख दिए होंगे आप।
देखिएगा अगला इधर कर सकते हैं इस तरह से धात्विक और दूसरा में आधात्विक आप कर सकते हैं। धात्विक खनिज को गलाने पर क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है, पालना मत। आधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, आधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं, धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं, कठोर और चमकीले होते हैं। ये कम कठोर और कम चमकीले होते हैं, कम कठोर और कम चमकीले होते हैं। अगला पॉइंट तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, ये अग्नि चढ़ानों से प्राप्त होते हैं, ये परतदार चढ़ान से प्राप्त होते हैं। पहला नंबर धात्विक खनिज को पीट कर धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होगा, एक नंबर पॉइंट। आप मिला लीजिए, टिक मार लीजिए अपना अपना। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता, आधात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होता, टिक मारिए। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं, लेकिन आधात्विक खनिज कम कठोर और कम चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज को अग्नि चट्टानों से प्राप्त होते हैं, आधात्विक खनिज परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं, टिक मार लीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर पॉइंट में आप लिखिएगा, धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता, पीट कर क्या बनाया जाएगा? तार बनाया जा सकता, धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता, लेकिन आधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, आधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, आधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, आधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, आधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता। फिर से समझिएगा, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु मिलेगा, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं मिलेगा। इससे कठोर और चमकीला ही होता है, ये कम कठोर और कम चमकीला होता है। ये अग्नि चढ़ान से मिलता है धात्विक खनिज, और ये आधात्विक परतदार चढ़ानों से मिलता है। धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जाएगा, लेकिन आधात्विक खनिज को पीटने पर क्या हो जाएगा? चोर चोर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है? अगला पॉइंट में देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाला चार कारक लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपदा से आ रहा है, भूकंप को भूकंप को कम करने वाले चार उपाय, भूकंप को कम करने का चार उपाय। पहला नंबर, भूमि में कंपन होना ही भूकंप है। भूमि का कंपन होना या हिलना ही क्या है? भूमि में कंपन होना या हिलना ही क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाएगा। पहला नंबर पॉइंट, भूमि में कंपन होना या हिलना ही भूकंप कहलाएगा। पहला नंबर पॉइंट में लिखिएगा, भूकंप का पूर्व अनुमान लगाना चाहिए, भूकंप का पूर्व अनुमान लगाना चाहिए, और लग जाए तो उसे जहां पर अगर भूकंप आने वाला है तो वहां से हटाया जाए। पहला नंबर, भूकंप का पूर्व अनुमान लगाया जाए। पहला नंबर, भूकंप का पूर्व अनुमान लगाया जाए, और अनुमान लग जाने के बाद उस क्षेत्र के लोगों को हटाया जाए। भूकंप का पूर्व अनुमान, भूकंप का लिख देता हूं, है ना। पहला नंबर पॉइंट पर चर्चा कीजिएगा, भूकंप का पूर्वानुमान लगाना, भूकंप का पूर्वानुमान लगाना, भवन भूकंप रोधी बनाना, भूकंप रोधी बनाना, भूकंप रोधी बनाना। तीसरे नंबर, जाल माल की सुरक्षा करना,
देखिएगा पारा नंबर भूकंप का पूर्वानुमान लगाना, मतलब भूकंप का पूरा अनुमान लगाना कि कहां पर भूकंप आएगा और भूकंप आने से पहले वहां के लोगों को हटा दिया जाना। अनुमान लगते हैं वहां के लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। पारा नंबर दूसरा नंबर पॉइंट भूकंप रोधी निर्माण घर का करना चाहिए जिससे कि भूकंप में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। और चार माल का मतलब कहता है सुरक्षा किया जाना चाहिए, जिस समय भूकंप आता तो उस समय उसको स्वतंत्र रूप से खोल दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए, वैसे क्षेत्र में रखना चाहिए जहां पर कोई दिक्कत नहीं हो। प्रशासन द्वारा मतलब यह कार्य किया जाना चाहिए कि भूकंप का अलर्ट जारी किया जाए, लोगों को सुरक्षा दिया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को सुविधा दिया जाए जिससे कि सुरक्षित जगह पर लोग जा सकते हैं। तो ये चार था, भूकंप का पूर्वानुमान, भवन का कंपन रोधी बनाना और मतलब जान माल को सुरक्षा दिलवाना और मतलब कहा था प्रशासनिक कार्य करवाना कि मतलब पहले लोगों को जानकारी हो जाए। अगला कई क्वेश्चन और बचा हुआ, कितना लोग जोड़ो अब तो कोई ऐसा क्वेश्चन है दूसरा नंबर आग आपदा के समय कौन उपाय करना चाहिए। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी चलिए देखिएगा। सबसे पहले भूमि का खिसकना या गिरना ही कौन स्खलन है? ऊंचे भूमि का खिसकना या गिरना ही भूस्खलन ही बताए थे ना। देखो मिल गया ये सब, आप सुखाड़ के बारे में बताया था, भूमि का खिसकना या गिरना ही भूस्खलन का लगता है, कोई दिक्कत? भूमि का खिसकना या गिरना है कौन स्खलन का लगता? भूस्खलन का लगता। देखिएगा बाबू रे भूस्खलन का लगता, भूमि का खिसकना या गिरना है कौन स्खलन का लगता? भूस्खलन का लगता है। देखिएगा भूमि का खिसकना या गिरना ही भूस्खलन का लगता, इसको हम बता दिए थे। देखिए दोबारा ये रिपीट हो रहा, वन वाला ये वाला दोबारा रिपीट हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए बार बार मिलेगा। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। सुखाड़ किसके किसके कारण आ सकता है? पहला नंबर वर्षा ना होने के कारण, पहला नंबर वर्षा ना होने के कारण सुखाड़ का समस्या उत्पन्न होता है। दूसरा नंबर नदी तालाब ना रहने के कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होता है। खेतों में मेड़ बना हुआ ना रहने के कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होता है। चौथा नंबर पेड़ पौधा का कमी होने के कारण, कौन सी कमी होने के कारण? पेड़ पौधा का कमी होने के कारण। पहला नंबर वर्षा ना होने के कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होती है, मिला लीजिए, वर्षा ना होने के कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होती है। नदी तालाब, नदी और तालाब ना रहने के कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होती है, नदी और तालाब ना रहने के कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होती है, मिला लीजिए। पहला वर्षा ना होने के कारण सुखाड़ की समस्या आएगा, नदी तालाब ना रहने के कारण सुखाड़ की समस्या आएगा, खेतों में मेड़ या आरी बनाकर नहीं रखिएगा तो सुखाड़ का समस्या आएगा, और पेड़ पौधे की कमी रहने के कारण, पेड़ पौधा की कमी रहने के कारण खेतों में घास ना रहने के कारण सुखाड़ की समस्या आएगा। क्लियर बोलो। पहला वर्षा नहीं होगा, नदी तालाब नहीं रहा तो मेड़ नहीं लगा रहा तो पेड़ पौधा ये सब नहीं रहेगा जिससे सुखाड़ का समस्या आ सकता तुम्हारे। अभी सब आसान बुझा लो धीरे धीरे। आग आपदा, आग एक आपदा है, इस समय कौन सा उपाय करना चाहिए? तो इस समय मतलब कहता है आग आ जाए तो आग के लिए मतलब कहता है फायर ब्रिगेड को बुलाया जाना चाहिए, उससे भी पहले मतलब कहता है वहां पर एक उपाय करना चाहिए कि बगल अगल क्षेत्र में पानी है तो उसको लाकर मतलब कहता है उस पर दिया जाना चाहिए,
मतलब कहता बालू या मिट्टी है तो उसको दिया जाना चाहिए, ढापने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि बंद हो सके। पहला नंबर पॉइंट देखिएगा, पहला नंबर पॉइंट, बगल अगल क्षेत्र में अगर पानी है तो पानी को लाकर डाला जाए, बालू या मिट्टी डालिए। जो लोग उससे फंसे हुए हैं उसे निकालने का उपाय किया जाना चाहिए, जो लोग फंसे हुए हैं उसके निकालने का उपाय किया जाना चाहिए। और चौथा नंबर, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाना चाहिए, है ना। ये सब पानी डालना चाहिए, वहां अगल बगल पानी है तो बालू और मिट्टी डालना चाहिए, फंसे हुए लोगों को निकालने का उपाय। पानी डाले, बालू और मिट्टी डाले, फंसे हुए लोगों को निकालने का उपाय करें, और मतलब फायर ब्रिगेड को मतलब कहा था बुलाने का, बुलाया गया, ये सब किया जाना चाहिए। कोई दिक्कत समाप्त हो गया, बाबू रे मन से पढ़िएगा तो जरूर आपका अच्छा नंबर आएगा। बस मैं यही लगे परिश्रम करता हूँ कि आप लोग बिहार टॉपर में इस बार जगह बना सके। अगले बार 4 नंबर से 10 टॉपर में चुका था, इस बार जगह बना सकते हैं। कौन कौन बनाइएगा बोलिए, कौन कौन बिहार टॉपर में जगह बनाएगा, चला ठोकर बताएगा, बताएगा नहीं बोल रहा है कोई, एकदम सबसे फर्स्ट किसका आता है देखते हैं। बिहार टॉपर में जगह किसका रहेगा, चलिए विकास कुमार बोल चुके हैं, चलिए जरूर रहेगा सर, चलिए 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 बहुत अच्छा, जरूर रहेगा सबका ऑब्जेक्टिव भी एक दिन कर देंगे, ऐसा बात नहीं है ना, कर देंगे आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी, बात समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप लोग देखिए, बहुत कम लोग जुड़ते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग से ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, है ना। यादव जी चलिए सब ठीक ठाक, चलिए बढ़िया है, फिर हम कल मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल मिलेंगे फिर। चलिए धन्यवाद, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। वाह एवरी न्यूटन, बहुत अच्छा, हिला दिया। चलिए ठीक है, फिर मिलेगा कल। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कब कीजिएगा सर, जरूर करेंगे, बात सब करेंगे, है ना, टाइम दे देंगे, एक दिन शुक्र शनिचर कर देंगे, शुक्र शनिचर, है ना। और 7 दिसंबर को दसवां का नया बैच देने जा रहे हैं, 7 दिसंबर दसवां का नया बैच देने जा रहे हैं, 1 से 2 और 7 से 8, 1 से 2 और 7 से 8 सबको जानकारी दे दीजिएगा, 1 से 2 और 7 से 8 चला, है ना, 1 से 2 और 7 से 8। चलिए ठीक है, फिर कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टॉप कर दें।